नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल रियल इन्फो एंड सेल ओल्ड कॉइन पर। दोस्तों मैं आज आपको 5 रुपये के ऐसे कॉमन नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके पास जरूर ना जरूर होंगे और आपने इनको कलेक्ट करके रखा होगा। दोस्तों ऐसे नोट आपके पास हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आपको इन नोटों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और आपको बताया जाए इन नोटों का रियल प्राइस क्या है और आप इन नोटों को कैसे किस तरीके से सील कर सकते हैं। तो दोस्तों विमल जलान के आपके पास यदि नोट हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कॉमन नोट कहलाते हैं, तो इन नोटों का विंडल आपके पास 100 या 200 नोटों का विंडल है तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे मेल आईडी पर यहाँ पर मुझे इनकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं और मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ से बाय कर लूँगा। तो एक 100 रुपये, एक 5 रुपये के 100 नोटों का बंडल मैं आपसे लगभग 1200 से 1300 रुपये में इजीली बाय कर लेता हूँ, क्योंकि ये कॉमन सर्कुलेशन वाले नोट हैं। और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि 5 रुपये के जो ऐसे नोट हैं वो कितने ज़्यादा रेयर हैं और मैंने अपने सब्सक्राइबर से किस किस तरीके से नोट खरीदे हैं। सिंपली आपको मुझे इसकी पोस्ट करना होगा नोटों को, उसके पहले मैं आपको पेमेंट यहाँ पर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने नोट यहाँ पर भेजे हैं मुझे और बाकी के जो नोट्स हैं मैं आपको उनकी वैल्यू भी बता देता हूँ, आप इन नोटों को कैसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 786 वाली सीरीज आपके पास 788 या फिर 7 वाली जितनी भी सीरीज है, लास्ट थ्री डिजिट होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन नोटों को आप बहुत ही आसानी से लगभग आपको 20 से 25 रुपए इन नोटों को प्राइस मिल जाएगा। ये बात जान लें कि किसी भी नोट का प्राइस लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये ईजिली नहीं मिल जाता है। ये 5 रुपए का डबल हिरन वाला यहाँ पर देखिए नोट है, इसको मैंने 300 रुपए में ख़रीदा था अपने सब्सक्राइबर से। ये देखिए 100 नोटों का, पुराने नोटों का बंडल है, इसको मैंने 5000 रुपये में ख़रीदा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक नोट का जो प्राइस है लगभग 50 रुपये है, क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पर इन नोटों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है और ये UNC नोट कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ये अशोक स्तंभ वाला नोट है, ये 1987 में यहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया था और इस नोट का जो प्राइस है लगभग 450 से 500 रुपये है। यदि आपके पास भी है इस तरीके का नोट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेल आईडी में आपको प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा जिससे आप मुझे कॉन्टेक्ट करके सेल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फिर से अशोक स्तंभ वाला नोट और ये मैंने लगभग 300 रुपये में ख़रीदा था मेरे सब्सक्राइबर से। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ और नोट बताऊँगा, इन नोटों को सेल करना बहुत ही आसान है, आप मुझे स्पीड पोस्ट के थ्रू नोट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से 3 हिरण वाला नोट है, इस नोट को मैंने लगभग 250 रुपये में अपने सब्सक्राइबर से ख़रीदा था और 5 रुपये के कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विमल जलान के नोट हैं यहाँ पर। और ये वाले नोट को मैंने 2800 रुपये में पर नोट के हिसाब से ख़रीदा था, क्योंकि इसकी जो लास्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो 700 से स्टार्ट होती है। और मेरे पास कुछ ऐसे नोटों का कलेक्शन है यहाँ पर जिनकी सीरीज लगभग यहाँ पर देखिए 9988 7766 से स्टार्ट होती है और इन नोटों का मैंने यहाँ पर पूरा विंडल ख़रीदा था 7 से 8 हज़ार रुपये के आस में ख़रीदा था, वो भी एग्जीबिशन में जाकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आते हैं जो नोटों को ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और बेचने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो 1 लाख रुपये सीरीज, 1 लाख सीरीज वाला यहाँ पर जो नोट सेल हुआ था यहाँ पर 11 हज़ार रुपये में जयपुर की ऑप्शन में यहाँ पर सेल हुआ था। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आप कोई बड़े शहर से जैसे गुड़गांव, नोएडा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो वहाँ पर हैदराबाद, वहाँ पर एग्जीबिशन लगते रहते हैं बड़े शहरों में, जिसकी जानकारी मैं अपने वीडियो में यहाँ पर देता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको जाने से बहुत सारे आपके पास नोट्स हैं उनके बारे में आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से अपने नोट को वहाँ पर सेल कर सकते हैं, नोटों को बेच सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। मैं अपने चैनल पर बताते रहता हूँ कि किस जगह पर एग्जीबिशन हो रहे हैं, कम्युनिटी टैब में मैं डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।